प्यारे बच्चों मख्तलिफ़ मजाहिब के मानने वाले लोग मुख्तफ त्यौहार मनाते हैं क्या आप इन त्यौहारों के नाम बता सकते हो शाबाश ईद होली दिवाली रक्षाबंधन बकर प्यारे बच्चों ईद की खुशियाँ हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाते हैं दिवाली रोशनी का त्यौहार है हर तरफ़ खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आती है रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की हिफाज़त की जिम्मेदारी लेता है और प्यारे बच्चों होली में क्या करते हैं शाबाश एक गढ़ा करके होली जलाते हैं यानी होली का दहन करते हैं दोस्त अहबाब है जमा होकर एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं प्यारे बच्चों होली को रंगों का त्यौहार या मोहब्बत का त्यौहार भी कहा जाता है ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतेह मौसम सरमा का अख्तितम होता है होली में बाहर की आमद होती है मिलने खेलने हंसने माफ़ करने और टूटे रिश्तों को दोबारा जोड़ने का ये त्यौहार है लेकिन प्यारे बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अलग अंदाज में होली इस कहानी के जरिए लेखक ने बुज़ुर्गों के मसाइल और उनके साथ बुरा सलूक इस पर रोशनी डाली है हमारे यहाँ संयुक्त परिवार यानी मुश्तरका ख़ानदान खानदान का एक साथ रहना इसकी बजाय एकल परिवार यानी इनफरादी ख़ानदान सब अलग अलग रहते हैं और घर के बुज़ुर्ग यानी माँ बाप की ज़िम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता उन पर कोई ध्यान नहीं देता और कुछ लोग तो अपने वालदेन को वृद्ध आश्रम बुजुर्गों का घर बूढ़ों का घर इसमें तक पहुंचा देते हैं जहां उन्हें अपने घर खानदान वालों का प्यार पोते और पोतियों का प्यार मोहब्बत नहीं मिल पाता प्यारे बच्चों इस कहानी में बच्चे होली का त्यौहार वृद्ध आश्रम में जाकर मनाते हैं और वहाँ के बुज़ुर्ग यानी वृद्ध आश्रम के बुज़ुर्ग सचमुच अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और उन बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं अपने बच्चों का ये गुण देखकर उनके वालदेन और उनके मोहल्ले वाले इन बच्चों की टीम का वृद्ध आश्रम के आने के बाद तालियों के साथ इस्तेकबाल करते हैं तो प्यारे बच्चों चलिए पढ़ते हैं हिंदी सुगम भारती सातवीं कक्षा का दूसरी इकाई का पार्ट अलग अंदाज में होली